उनसे मिलेंगे? ऐसे किसी सेटलमेंट के लिए नहीं, बल्कि उनकी बेइज्जती करने के लिए। हम उसके सामने घुटने टेक के थोड़ी ना जा रहे, उस पर रहम करना के अंदाज से जा रहे हैं। और ये शतरंज की बिसात पर मोहरा आगे बढ़ाने की बात, नतीजा देखते हैं। हम आपसे हाथ छोड़कर कहता हूं कि हम आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। ये शाम मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी शाम होगी, मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। आज पहली बार मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैं किसी और के लिए कितना अहम हो सकता हूं। एक मेरे पास तू था बेटा, जो मेरे अंधेरों में थोड़ी सी रोशनी करता था। अब मेरे पास कुछ नहीं है बेटा। पेस्ट्रीज एंड अ कैंडल, व्हाट्स द ओकेजन? ऋषभ, आज एकनाथ का बर्थडे है। रियली? हैप्पी बर्थडे एकनाथ। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अच्छा भैया, तुम लोग ऐसा करो कि बर्थडे सेलिब्रेट करो, हम लोग चलते हैं, फिर कभी मिलेंगे, ओके? नहीं नहीं ऋषभ, बैठो बैठो, छोटी सी पार्टी है लेकिन बर्थडे में औरों का होना अच्छा लगता है। तुम चले जाओगे तो एकनाथ को बुरा लगेगा। हो सकता है इन लोगों का कोई और प्रोग्राम हो। एकनाथ, प्रोग्राम चेंज भी किया जा सकता है ना। ऋषभ जॉइन अस, एकनाथ इनवाइट करो ना इन्हें। हां प्लीज। इफ इट्स ओके बाय यू, आई एम फाइन। ओके ऋषभ, इनसे नहीं मिलवाओगे? इनसे नहीं मिलो? अरे मेधा, ये अपनी पूजा है। पूजा पहचाना नहीं क्या तुमने? ये हां ये पूजा है। ये पूजा है? हां ये पूजा है। पूजा, लगता है तुम्हारी कई आस्थाएं बदल गई। समय के साथ बदलना अकलमंदी कहलाती है मेधा। वो जी लगाना, लगता है वो भी वक्त के सैलाब में बह गया। कुछ चीजें बह गई, कुछ नई हो गई। मिलते रहें तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो ऐसा करते हैं कि हम लोग चलते हैं, इनके शाम में दखल देना बदतमीजी होगी। ऑल द बेस्ट, एंजॉय योरसेल्फ। ऋषभ बैठो, बैठो ना। एक्सक्यूज मी। अरे ये एकनाथ एकदम से कहाँ चला गया? कोई जरूरी काम याद आ गया होगा। जरूरी काम या एनीवे, तुम सुनाओ और क्या चल रहा है? मैं भी चलती हूँ ऋषभ। मेरा लेकिन इस वक्त अकेले कैसे जाओगी? नहीं मैं चली जाऊंगी, नो प्रॉब्लम, थैंक्स, बाय। मैं तुम्हारी जिंदगी में आखिरी सांस तक रहूंगी त्यागी। सिबानी जी, इतना सारा खुशी एक झटका में हम करना दीजिए, हमारे दिल का धड़कन तेज हो जाता है। आपने इतना कह दिया, अब बाकी का जिंदगी हमारा कैसा भी गुजरे हमका कोनो फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी त्यागी, कभी नहीं। ससुरा हमरा किस्मत सलाखों के ऊपर से हमका खुशियों का लालच दे रहा है। कानून हमका बातचीत नहीं भरी करेगा, पता नहीं हमका कितने साल का सजा होने वाला है। तुम अपनी सजा जेल के अंदर सहोगे त्यागी, और मैं जेल के बाहर काटूंगी। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब एक बेदाग त्यागी रिहा होकर वापस मेरे पास आएगा। तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगी त्यागी, जब तक तुम मेरे पास वापस नहीं आ जाते। ऐसा मत करिएगा सिबानी जी, हम खुद नहीं जानता हूं कि हमारी जिंदगी का क्या कैसा होने वाला है। ऐसा क्यों सोचते हो तुम? सुनील तुम्हें कम से कम सजा दिलाने की कोशिश करेगा। सुनील बाबू युद्ध में हमारे सारथी बन गए, फिर भी हम कहता हूं कि आप अमेरिका वापस चली जाइए, हमारे पचड़े में मत पड़िए। का कसूर है आपका? हम तो सजा काट कर बाहर आ जाऊंगा, लेकिन बाहर आकर हम एक पाप मन में नहीं रखना चाहता हूं कि हम कौनों का जिंदगी बर्बाद कर दिया। ये जिंदगी तो तुम्हारे नाम कर चुकी हूं त्यागी, बस
इससे ज्यादा आबाद मेरी जिंदगी नहीं हो सकती। काश कि मुझे तुम्हारी असलियत का पता नहीं चलता। काश कि वो तो करण बाबू का मेहरबानी रहा हम पर। खैर वो हिसाब हम बाद में चुकता कर दूंगा। नहीं, अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे त्यागी। अब हम दोनों को कुछ नहीं करना है, बस बस उस मंजिल का इंतजार करना है जहां हम और तुम हमेशा साथ रहे। महेन, चाय बनाऊं आपके लिए? थोड़ी देर में। आपका थोड़ा सा ये वक्त ले सकती हूँ? अरे भाई थोड़ा सा क्यों, 24 घंटे तुम्हारे हैं। अच्छा तो फिर ये बताइए कि शादी के दिन क्या क्या करने की सोच रहे हैं आप? कोर्ट में जाकर शादी रजिस्टर कर लेंगे। लेकिन कोर्ट जाने से पहले या कोर्ट जाने के बाद हमें उस दिन को कुछ अलग तरीके से बिताने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? अलग से क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो खास दिन कुछ खास तो होना ही चाहिए ना। अरे भाई तुम्हारी और मेरी शादी हो रही है, उस दिन के बाद कानून तुम मेरी पत्नी कहलाओगी, इससे ज्यादा खास और क्या हो सकता है? वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि हमें उस दिन को कुछ अलग तरीके से बिताना चाहिए। वो दिन किसी आम दिन जैसा नहीं निकल जाए। क्यों ना हम कोर्ट जाने से पहले मंदिर चलें? नहीं, हम मंदिर नहीं जाएंगे। क्यों? पता नहीं, उस दिन मंदिर जाना मेरे दिल को गवारा नहीं है। बहन, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तुम गलत कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों। ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, हम लोग उस दिन शाम को अपने कुछ खास दोस्तों को डिनर पे बुलाएं? वो भी नहीं करेंगे, बस तुम और मैं, हम दोनों अकेले कहीं जाकर डिनर लेंगे। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। लगता है तुम्हें मेरा फैसला ठीक नहीं लगा। महेन, मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है मेरे लिए? लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई चोरी कर रहे हो, भगवान के सामने जाने से कतरा रहे हो, लोगों को अपनी इस खुशी में शामिल करने से इनकार कर रहे हो। शामिल उन लोगों को नहीं करना चाहता हूँ जो हमारी शादी से खुश ना हो। शादी सिर्फ महेन और शीला की, ये हमारी खुशी है शीला, और किसी की नहीं। कम इन नीतू बेटा, कम डार्लिंग कम। आहा, कांग्रेचुलेशंस, ये है आपकी शादी का तोहफा। थैंक यू बेटे, थैंक यू वेरी मच। वाओ, ये देखकर तो लगता है कि तुम बाकी मेरी शादी से बहुत खुश हो। आपको ये अचकन देखकर लगता है कि मैं आपकी शादी से खुश हूँ, आपको मुझे देखकर कुछ भी नहीं लगता? ओहो बेटे, ऐसी बात नहीं है, तुम जानती हो कि अचकन मेरा फेवरेट लिबास है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। I'm so happy because I know that you're very happy. पिछला एक साल भूलकर अगर मैं अपने बाकी के 20 सालों को याद करूँ तो आपने मेरी हर खुशी को पूरा किया है, तो क्या मैं आपकी एक खुशी के लिए खुश नहीं हो सकती? Of course, why not? बेटी किसकी है? Come on. लेकिन बेटे एक बात बताओ, तुम वाकई खुश हो ना? इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि यहाँ आप दोनों से ये पूछने आई हूँ कि आप दोनों अपनी शादी की पार्टी कब और कहाँ दे रहे हैं? अरे नहीं बेटे, ये ओल्ड फैशन है, मुझे पार्टी वार्टी नहीं देनी। ना डोंट बी अ कंजूस, ना जस्ट डोंट बी अ कंजूस, जो आपके मुताबिक सही है उसे तो सीना ठोक कर करिए। आप लोगों से नजरें क्यों चुरा रहे हैं? ओहो बेटे, कुछ देर पहले तुम्हारी ये आंटी है ना, यही कह रही थी। पापा, आप अपनी दूसरी शादी धूमधाम से करिए, अपने लिए ना सही पर शीला जी के लिए जरूर। आई एम श्योर वो दिन इनकी जिंदगी का बहुत ही अहम दिन होगा। नीतू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, तुम्हारे पापा माने या ना माने, हम लोग अपनी शादी की पार्टी जरूर करेंगे। ओके।
डाउट. ओके नाउ लिसन, एक बात आप जरूर याद रखिए, पूरे यकीन से मैं और दीदी इस शादी से खुश हैं, और जब हम दोनों को या फिर मम्मी को भी इस बात से एतराज नहीं है तो आप औरों की परवाह क्यों कर रहे हैं? ओके देन देयर इज नो प्रॉब्लम, पार्टी होगी और जबरदस्त शानदार पार्टी होगी. दैट्स लाइक इट डार्लिंग. मैं तो आज के दिन की तरह हर दिन यही दुआ करूंगा कि हमेशा हर जन्म में मुझे तुम्हारे और ऋतु जैसी बेटी नसीब. ओल्ड कॉन्सेप्ट है, मैं पार्टी और मैं हमेशा पापा. हमेशा तुम्हारा ही पापा बना रहा हूं. कम माय डार्लिंग, समझ गए तुम क्या कहा मैंने तुमसे? ओ आइए आइए करण साहब, आइए आइए. नमस्कार रंजना देवी. नमस्कार. आइए आइए बैठिए. थैंक यू. तो कहिए करण साहब, क्या लेंगे आप? नहीं कुछ नहीं. और आप रंजना देवी? थैंक यू. सिल्वर एस्टेट भी नहीं? Your friend has a good sense of humor. I know, he always had. अब देखिए ना शाह साहब, एक जरा से जमीन के टुकड़े ने हम चारों की जिंदगी नरक बना के रखती है. जी हाँ, मैं भी श्वेतलाना को यही समझा रहा था कि भाई जब चार समझदार लोग आपस में बैठकर बातचीत कर सकते हैं तो उसमें कोर्ट कचहरी को क्यों घसीटा जाए, है ना रंजना देवी? फरमाइए करण साहब, क्या प्रपोजल है आपका जिसका जिक्र वो बंसल कर रहा था? सर लाना ये लिख के दे दे कि अब सिल्वर एस्टेट पर उसका कोई हक नहीं है और इस बात की कीमत अदा कर दी जाएगी. यानी कम से कम आप इस बात के लिए तो राजी हो गए कि श्वेत लाना का सिल्वर एस्टेट पर हक है. हक है, इसीलिए तो ये मुझसे कीमत की बात करने आए हैं मिस्टर शाह. कीमत बल्कि हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम्हें आगे जाके कोई तकलीफ ना हो. और मेरी पिछली तकलीफों की कीमत रंजना देवी? कोई फायदा नहीं, पिछली बातों को भूल जाओ. भूलने की कीमत करण? फिर तुम बातें उसी दिशा में लेके जा रही हो. बात हमेशा उसी दिशा में थी रंजना देवी और हमेशा रहेगी. सिलाना, तुम चाहती क्या हो? तुम्हें भिखारी के भेस में देखना चाहती हूँ मैं. स्वेतलाना, तुम्हारा कटोरा कहाँ है? जब सिल्वर से जैसी भीख मांगने आए हो मुझसे तो अपना कटोरा मेरे सामने रखो. कहीं मैं मेरे रहम में आकर तुम्हें सिल्वर स्टेट दान में दे दूं, क्योंकि सिल्वर स्टेट की कोई कीमत नहीं है और मेरे जीते जी वो नहीं बिकेगा. नहीं बिकेगा, तुमसे छीन लिया जाएगा. तुम ये समझती हो कि तुम कोर्ट केस जीत जाओगे? यकीनन. गलतफहमी, बहुत भारी दाम चुकाने होंगे, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगी. फिलहाल तो सिल्वर एस्टेट की एक एक ईंट के लिए आप मोहताज हो रहे हैं. सिल्वर एस्टेट हमारा है. तुम्हारा? ये स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट या राशन कार्ड पर असल बाप का नाम कटवा कर केशव मल्होत्रा का नाम लिखवा लिया आपने, जो आप इस तरह से. शट अप. देवी, इनके बाप ने इनके लिए सिल्वर एस्टेट नुमा कोई मकान नहीं छोड़ा जो वहां जाकर ये मोर्चा लगाएं? देखिए, सिल्वर एस्टेट के बारे में हमसे बात करने का हक सिर्फ ऋषभ मल्होत्रा को है. वैसे हम तुमसे सिल्वर एस्टेट की बातें करें क्यों? क्या कानूनी रिश्ता इसका और केशव मल्होत्रा का? वही गैर कानूनी रिश्ता ना जिसका बाजार हर रात बदनाम गलियों में लगता है और सुबह होते ही गायब हो जाता है. रंजना देवी, अब तुम कौन होते हो उसका हक दिलाने वाले? जो पाप की रातें इसने केशव मल्होत्रा के साथ गुजारी है तुम उसका सौदा कर रहे हो एक दलाल की तरह. रंजना देवी. शाह साहब, इस तरह मुंह मोड़ने से फायदा नहीं होगा. किस चीज से फायदा होगा तुम बता दो. अगर तुम चाहते क्या हो एकनाथ,
तुमसे मेरा मैं कुछ नहीं चाहता। हाँ अब तुम मुझसे क्यों कुछ चाहोगे? तुम्हारी चाहत तो पूरी हो गई ना? मेरी चाहत पूरी हो गई और मुझे खबर भी नहीं है। ऋषभ के सामने तुम मुझे बेइज्जत करना चाहते थे, सो तुमने कर लिया। मुराद पूरी हो गई तुम्हारी? फिर वही ऋषभ। मेधा तुम मेरे पास अपना वक्त काटने के लिए आती हो? मैं इस वक्त तुम्हारे सामने वक्त काटने के लिए नहीं आई हूँ एकनाथ। तुम्हारे उस दिन के बर्ताव की सफाई मांगने आई हूँ मैं। उस दिन रेस्टोरेंट में मुझे सबके साथ अकेला छोड़कर चले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या बदतमीजियों की हिम्मत करने का ठेका सिर्फ तुमने ले रखा है? तमीज से तुम पेश आओ मेधा। उस दिन मैं तुम्हारे साथ वहां अपना जन्मदिन मनाने गया था और मौत झेल कर लौटा। तुम ना बात का पतंगड़ बना देते हो। मेरी बात तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं रखती है। मेरे जज्बात तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। ऋषभ के सामने मैं बिल्कुल बेमानी हो जाता और मुझे इसका एहसास हो गया। ऋषभ वहां पूजा के साथ अकेले आया था, अलग से। तुमने उसे जानबूझकर अपने टेबल पर बुलाया। अगर हम उन्हें इनवाइट नहीं करते तो क्या वो बुरा नहीं मानते? कोई किसी का बुरा नहीं मानता अगर तुम ना बुलाती तो भी, लेकिन क्योंकि तुम्हें ऋषभ के साथ बैठना था, ऋषभ अच्छा लगता, इसलिए तुम्हें उसे बुलाया। तुम तो ऋषभ के पीछे हाथ धोकर पड़ गए एकनाथ। ऋषभ के पीछे तुम हाथ धोकर पड़ी उम्मीदा, और कोई अनजान आदमी भी ये दूर से देखकर ही बता सकता है। तुम्हारे इस शक का कोई इलाज नहीं है। ऋषभ नाम के तुम्हारे फितूर का कोई इलाज नहीं है मेधा। वाह क्या जन्मदिन मनाया। शाम मोमबत्ती की तरह जल जल कर पिघल रही थी, लौट टिमटिमाती रही कि शायद किसी एक अंधेरे पल को रोशन कर सके, मगर बुझ गई। देखो एकनाथ, मैं वक्त के साथ तुमसे अपना प्यार साबित कर दूंगी, बस मुझे मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए। मोहलत एक उम्र से ज्यादा होगी मेधा। सुनील ठीक कहता था कि तुम ऋषभ के भवन से कभी बाहर नहीं आ पाओगे मेधा, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी से बाहर जा रहा हूं। उस सुनील की बातों में आकर तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी बात कह दी? मेरा हम दोनों का एक कदम भी आगे बढ़ना नामुमकिन है, बस यहीं तक। हमारी मोहब्बत अब बंद हो चुकी है। मुलचंदा, हेलो। हाँ बोल शिवानी। क्या मैं आपका कॉफी का कप ले जा सकती हूँ? कॉफी तो मैंने अब तक पी ही नहीं। जी हाँ, वो तो मुझे नजर आ रहा है। जब आपके कल रात का सुरूर उतर जाए ना, तब आप कॉफी पीना। ठंडी हो गई है, दूसरी लाती हूँ। अरे बैठ यार, वैसे भी कॉफी पीने का दिल नहीं कर रहा। क्यों? लगता है तुम्हारे कल रात का डिनर कुछ खास था। शिवानी मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। क्यों स्वीटहार्ट, प्यार का मामला है ये, इसमें तेरे करने ना करने से कुछ नहीं होने वाला। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जिस बात का डर था वही हुआ। क्या? कल रात करण ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। यस, ये तो होना ही था, पर इसमें डर कैसा? ऋषभ का। शिवानी मुझे लगता है कि अगर मैं दोनों में से किसी एक के प्यार को कबूल करूं तो दूसरे को बुरा लगेगा। तू क्यों बेकार इन उलझनों में पड़ रही है? जिस बात के बारे में तुझे सोचना चाहिए वो तो तू सोच नहीं रही है। किस बात के बारे में? रक्षंदा, पहले तू अपने दिल को समझने की कोशिश कर कि तू करण से प्यार करती है या ऋषभ से, या दोनों से नहीं। अरे यू आर गोइंग टू हर्ट वन ऑफ देम विद दिस, बट डोंट लेट अफेक्ट योर डिसीजन। ये फैसला तेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये तेरे आने वाले दिनों को ही नहीं तेरी जिंदगी को असर करेगा। तो ठीक कहती है शिवानी, मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ और करण के झगड़े की वजह से मैं अपने आप को मोहब्बत की इजाजत नहीं दे रही हूँ, और ये बात बिल्कुल गलत है। ऑफ कोर्स गलत है, तो अपने प्यार को क्यों बलि चढ़ाती है उन दोनों के कारण? यू राइट शिवानी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्या हुआ? ओह गॉड, टाइम देखा तूने? ऐसी बातें जब हम करने लगते हैं ना तो वक्त का पता ही नहीं चलता। एनीवे मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, आई विल सी यू लेटर। बाय। हाँ शिवानी, तेरी मुलाकात हुई त्यागी से? रक्षंदा, मैं त्यागी से ही मिलकर आ रही हूँ और उम्र भर का वादा करके आ रही हूँ। आई विल स्टैंड बाय हिम टू द एंड। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू शिवानी। टेक केयर, आई विल सी यू लेटर। बाय, टेक केयर।